इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर डीसी साहब का मेडिकल बुलेटिन आप देखेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट का, तो उसमें 3 पॉजिटिव आए हैं, 3 पॉजिटिव केस हैं, डायरेक्टर भी जो कंफर्म कर चुके हैं और बाकी डीसी साहब भी इसको कंफर्म कर चुके हैं। यानी डीसी साहब जो बोले स्टेटमेंट, ये कंफर्म हो चुका है? कंफर्म हो चुका है, 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है जो कैंप में का और एक हसई गली का, और ना तो बेलगाम में पैदा हुई है ना तो हिंदुस्तान में पैदा हुई है, ना तो ये जात पात जानती है। कोरोना वायरस का ओरिजिन चाइनीज चाइना के वुहान सिटी से हुआ है, वहाँ से कैसे हो उभरी है अभी किसी को भी नहीं मालूम। WHO भी इसके बारे में जांच कर रहा है कि ये वायरस आया कहाँ से, इसकी जांच हो रही है, पूरी दुनिया में जांच हो रही है। कोरोना हिंदू मुस्लिम सिख या ईसाई देख के बीमारी नहीं फैलती है, बीमारी फैलती है अगर आप हाइजेनिक नहीं रहेंगे, आप अपने हाथ नहीं धोएंगे, सेफ डिस्टेंस नहीं रहेगा। आज अगर आप देखेंगे कि दुनिया के आधे मुल्क लॉकडाउन में है, तो चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे US हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इटली हो, चाहे स्पेन हो, चाहे कतार हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, ये सभी इस बीमारी की शिकार हो चुके हैं। और आज देखते जा रहे हैं कि हम ये बीमारी बढ़ती ही जा रही है। जैसे हमारी हुकूमत ने कहा है कि सेफ डिस्टेंस रखो, ज़्यादा लोग मिल के मत रहो, हाइजेनिक रहो, अपने हाथ बार बार सोप से या डिसइंफेक्टेड से सैनिटाइजर का यूज़ करें, ये सब हमें यूज़ करना ज़रूरी है। आज अगर हम देखेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट हो या हमारे हेल्थ वर्कर्स हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो या हमारे हॉस्पिटल्स हो, ये 24 कलाक काम कर रहे हैं। हमारा यही फर्ज बनता है कि हम ये डिपार्टमेंट का साथ दें, चाहे पुलिस हो या हेल्थ हो, ये भी अपने उनके भी फैमिलीज हैं, ये भी अपनी जान पे लड़ के इस बीमारी से खेल के हमारे प्रोडक्शन के लिए खेल रहे हैं, हमारे सेहत के लिए खेल रहे हैं। हम इनका साथ देना ये ज़रूरी है और यही एक चीज़ हम कर सकते हैं। और एक बात मैं सभी से कहूँगा, चाहे मेरे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, कि एक बीमारी से हम लड़ रहे हैं, इस बीमारी से ही लड़ रहे हैं, कोई अफवाह में हम ना जाए। अगर अफवाह को सुनते जाएंगे तो हम बीमारी को बाजू में रखेंगे और आपस में ज़्यादा लड़ते जाएंगे। हमें लड़ना है तो बीमारी से लड़ना है, हर एक लिख मतलब संग्राम या विनंती है, कड़कड़ित विनंती है कि जो महामार्ग आलेला है या बीमारी महाबीमारी वायरस आलेला है, ह्याला आम्ही सगळे मिळून सब मिलकर इसको हराए। और पूरा मानव जाति, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, सिर्फ हमारे वतन में ही नहीं, सिर्फ हमारे राज्य में ही नहीं, सिर्फ हमारे बेलगाम शहर में ही नहीं, लेकिन पूरी दुनिया लड़ रही है इसके खिलाफ। हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, जब तक इसका वैक्सीन नहीं आता, जब तक इसका मेडिसिन नहीं आता, हमें जो मेडिकल डिपार्टमेंट कहता है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट कहता है, जो हमारे हर एक मुल्क के जो कायदे निकलते हैं, उन कायदों का हम पालन करें। ये कायदे हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे फैमिलीज के हेल्थ के लिए, हमारे मोहल्लों के हेल्थ के लिए, हमारे शहरों के हेल्थ के लिए, हम इस चीज़ का पालन करें। और जब हम सब मिलकर जब तक नहीं लड़ेंगे, तब तक ये मुश्किल नहीं है, सभी से है। जब खास
हम सब मिलके आज एक ही चीज़ करें और हमारा एक ही फोकस रहे कब में इतनी बारिश लगती है। और अभी जो सामने आता है और जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में मुमकिन है, हम वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें, उनको राशन पहुँचाएं, उनको मेडिसिन पहुँचाएं। पिछली बार भी हमने जब प्रेस में मीट लिया, हमने हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, आज जो यहाँ के कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, यहाँ से उनको सहाय जा रहा है। मौजूदा हालात बहुत ही नागुफ्ता ही है, सिर्फ हमारे हिंदुस्तान ही के नहीं, पूरी दुनिया इसमें मुलविस है और पूरे दुनिया के लोग परेशान हैं कोरोना की वजह से। ये ऐसी बीमारी है कि मिनटों में जो है कई लोगों को अपने घेरे में ले रही है। तो इसके तदारुक के ताल्लुक से जो हिदायत हमें हुकूमत हिंद की जानिब से दिए गए हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है कि उस पर अमल पैरा हों। एक तो हिदायत यह है कि हम दो चार आदमी एक साथ जमा ना हो जाएं और अपना फासला एक दूसरे के करीब ना हो, और मास्क का इस्तेमाल करें और साबुन का इस्तेमाल करें और हाथ और सफाई का एहतमाम करें, और जहां तक हो सके एक दूसरे से मिलने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बीमारी है, ये हिंदुस्तान के अंदर भी फैलते जा रही है। तो इसकी तदारुक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह और ममालिक के बनिस्बत हिंदुस्तान में ये कम मिकदार में है। तो अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका एहतमाम करें, जो हिदायत दी गई हैं उस पर चलते हुए, ताकि हमारे घर वाले भी महफूज रहें, हम भी महफूज रहें, और कि अहद शिकनी भी ना हो जाए और किसी को शिकायत का मौका भी ना दें। और जो लोग जिनको शकूक की नज़र में आ रहे हैं उनको अलहदा रखे गए हैं, उनका इलाज जारी है। इंशाअल्लाह दुआ आप भी कीजिए, हम भी करते हैं कि तमाम दुनिया अल्लाह ताला है जो है तमाम इंसानों को इस बला से महफूज रखे और इस बीमारी को दूर कर दे, जल्द से जल्द इस आफियत से हम लोगों को नजात दिलाए। और मिलना इसका इससे एतराज़ करें, आपस में मिलने नहीं, एक जगह जमा ना हो जाए, चाहे नमाज के लिए हो या इबादत के लिए हो या कोई और फंक्शन के लिए हो, तो जितना हो सके उतना एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करें। और इस वजह से ही जो है हिंदुस्तान ने कदम उठाया, ट्रेनें भी बंद कर दी गई, बसें भी बंद कर दिए गए हैं, बाज़ार भी बंद कर दिए गए हैं और इसका ऐलान भी कर दिया गया है। तो हम चाहिए कि इसका एहतमाम करें, ऐसा ना हो कि हम इसके अमल के ख़िलाफ़ करते हुए हम गुनहगार और इसको फैलाने वाले मुजरिम साबित हो जाएं। इससे हम बचें, बल्कि अपनी भलाई, अपने घर वालों की भलाई, अपने बच्चों की भलाई, हमारी मुल्क की भलाई, हमारे शहर की भलाई, ये सोचते हुए हर बुराई से बचने की कोशिश करें, मेल मिलाप से दूर रहें और जितना हो सके सफाई सुथराई का ख्याल रखें। और इसका इलाज जो है, और अभी जो बाद लोग हमें ये कहते हैं कि नमाज का मामला है, जमात का मामला है, मस्जिद का मामला है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर हमें इजाज़त दी है कि ऐसे जब वबाई अमराज फैलते हैं तो उसके ताल्लुक से जो है घरों में नमाज का एहतमाम करें। अल्लाह ताला देखने वाले हैं या अजर देने वाले हैं, घर में बैठकर भी इबादत करें तो उसका भी अजर सवाब मिलता है। मजबूरी के एतबार से हमें मसाइल बदलते रहते हैं, मजबूरी के एतबार से जो अगर आदमी खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ता तो बैठ कर पढ़ने का, उसने बैठ कर नहीं तो लेट कर पढ़ने का। तो ऐसी हालात में बीमारी के अंदर भी जो है घरों में रह करके नमाज अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको अल्लाह ताला सवाब में किसी किस्म की कमी नहीं करेंगे। और हमें चाहिए कि जितना हो सके उतना एहतमाम करते हुए जम्मे गफीर करने से बचें और किसी को किसी किस्म के शिकायत का मौका न दें। मैं ये आपसे तमाम अपने भाइयों से, हमारे मुसलमान भाइयों से भी, अपने वतनी भाइयों से भी, छोटों से भी, बड़ों से भी, मर्दों से, औरतों से अपील करता हूँ कि जो भी हिदायत आपको दी जा रही है उस पर अमल पैरा हों और अपने आप को भी महफूज रखें और इस वबा से बचने की पूरी कोशिश करें। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस बीमारी को दूर कर दे और सबको आफियत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो कुछ उसमें पॉजिटिव निकले हैं,
और उसके ताल्लुक से हुकूमत हिंद उसमें जो शरीक हुए थे उनको जो जांच पड़ताल करके उनका अलग से इंतज़ाम कर रही है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हुकूमत का साथ दे करके उस जो भी अगर उसके अंदर इन्वॉल्व हैं उसके अंदर मुतासिर हैं तो उसको दूर करने की कोशिश करें। और डॉक्टरी मुआयना करने के बाद जो है वो जो सामने आता है वाकई इतना हाई या नहीं इसकी भी कैफियत सामने आ जाती है। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ये यहीं निज़ामुद्दीन ही इसी बीमारी फैल रही, हज़ारों लोग बाहर मुवालिक से आए हैं, हो सकता है उनसे भी हो सकती है, ये मत कहो कि सिर्फ निज़ामुद्दीन से।